कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन लगातार देश की राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़िग हैं। लंबे अरसे से चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में कई किसानों की मौत भी हो गई है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस ने शिमला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। युवा कांग्रेस ने इस दौरान थालियां बजाकर अपना रोष जाहिर किया और केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है और किसानों के अधिकारों को खत्म करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में मुख्यमंत्री, सांसद और मंत्रियों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और किसानों के पक्ष में 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने अगर अब भी किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो भविष्य में युवा कांग्रेस अपने आंदोलन को और उग्र करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंकेगी। भारतवर्ष की जनता को अच्छी तरह से पता है कि किसानों का जो आंदोलन है दूसरे महीने में जो है एंटर करने जा रहा है, हो चुका है, 1 महीने से ऊपर का समय अभी पूरा हो चुका है और सिंघू बॉर्डर पर आए दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई ना कोई किसान जो है आए दिन जो है शहीद हो रहा है। उसके विपरीत केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनके कानों पर जो है जूं तक नहीं रेंग रही है। भारतीय युवा कांग्रेस जो है मांग करती है कि किसानों की जो उचित मांगे हैं, जो उनकी जो उन्होंने अपनी उचित मांगे रखी हैं, जो अपनी समस्याएं उठाई है इस काले कानून को लेकर, उनके ऊपर जो है उचित कदम जो है उठाया जाए और किसानों को जो इतने समय से जो उनका आंदोलन चला हुआ है उनके पक्ष में इस काले कानून को जो है हटाया जाए ताकि किसानों के जो जख्म है उनके ऊपर जो है मरहम लगे। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल युवा कांग्रेस जो है इस तरह का कार्यक्रम कर रही है। थाली बजाने का कार्यक्रम हमने किया है हर जिला मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर। आज इसी कड़ी के अंतर्गत हमने माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी के घर के बाहर, ओक ओवर के बाहर जो है शांतिपूर्वक जो है थाली बजाने का कार्यक्रम किया। हमारा एकमात्र उद्देश्य थाली बजाने के कार्यक्रम से ये था कि जो भाजपा के जो नेता हैं, जो सांसद है, चाहे मुख्यमंत्री है चाहे दूसरे मंत्री हैं, उनके कानों तक जो है जू नहीं रेंग रही है। किसान जो है कैसे ठंड से मर रहे हैं, कैसे आत्महत्या कर रहे हैं इस काले कानून के विरोध में, इनके कानों के ऊपर जो है जू नहीं रेंग रही है। और भारतीय युवा कांग्रेस और हिमाचल युवा कांग्रेस ने जो है थाली इसलिए बजाई ताकि जो नींद में जो सोए हुए भाजपा के नेता जो है वो इस नींद से जागे और किसानों की जो समस्याएं हैं, जो इनकी मांगे हैं, उनके ऊपर जो है विचार करें और इस काले कानून को जो है जल्द से जल्द और शीघ्र से शीघ्र जो है इसको रद्द करें। और साथ में ही मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आए दिनों जो है इस काले कानून को जो है वापिस नहीं किया जाता है, इन कानूनों को, काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा से जो MLA है, चाहे मंत्री है, चाहे सांसद है, चाहे मुख्यमंत्री है, हिमाचल युवा कांग्रेस जो है उनका काले झंडे के साथ जो है घेराव करेगी और पूरे हिमाचल प्रदेश के बूथ लेवल तक जो है हम नरेंद्र मोदी जी का जो है इस मुद्दे को लेकर जो है पुतला भी जलाने से पीछे नहीं हटेंगे। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।